नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल सात कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो, सुक्खू ने साधा सियासी संतुलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने सात कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो दिए हैं। ऐसे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुक्खू ने एक तरह से सियासी संतुलन भी साध लिया है। सुक्खू ने जगत सिंह नेगी, राजेश थरमानी और यादविंद्र गोमा को हैवीवेट मंत्री बनाया है। वहीं उन्होंने हर्षवर्धन और विक्रमादित्य सिंह को भी बड़े विभाग दिए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ही दिया गया है। इसकी वजह उनके पास बड़े विभाग शिक्षा का होना है। इस तरह के डैमेज को कंट्रोल में रखकर बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों को खुश और संतुष्ट करने के अपने ही विभागों को कम कर उनमें बांट दिए। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पास अब उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम एवं रोजगार विभाग होंगे। उन्हें श्रम एवं रोजगार नया विभाग दिया गया है। ये मुख्यमंत्री के पास था। नए मंत्री बने यादविंद्र गुमा को आयुष विभाग हर्षवर्धन चौहान से वापस लेकर मिला था। एचआरटीसी में 700 ड्राइवरों, कंडक्टरों की होगी भर्ती। धार्मिक स्थलों के लिए चलेंगे 175 रूट, मुकेश अग्निहोत्री। एचआरटीसी धार्मिक दर्शन के लिए 175 नए रूट चलाने जा रही है। इससे प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों के साथ साथ दूसरे राज्यों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध होगी। इसके अलावा एचआरटीसी में जल्द ही 700 ड्राइवरों, कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इनमें 350 ड्राइवर और 350 कंडक्टर रखे जाएंगे। वहीं जल्द ही एचआरटीसी के बेड़े में 350 इलेक्ट्रिकल बसें शामिल की जाएंगी। ये बातें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। वो शुक्रवार को मंडी जिले के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की रखोटा पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह विशेष रूप से उपस्थित रही। मुकेश ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम कर रही है। सरकारी विभागों में भर्तियां की जा रही है। बर्फबारी के बाद कमरों के एडवांस बुकिंग में उछाल। सैलानों की पहली पसंद बने ये शहर। ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल में सैलानियों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। इस वीकेंड के लिए होटलों के कमरों की एडवांस बुकिंग तेज हो गई है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, कुल्लू मनाली, कसौली, चाल चंबा और खजिया सैलानियों के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। जनवरी में बर्फबारी न होने से हिमाचल में पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था। शिमला में सीजन के पहले हिमपात के बाद सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने राहगीरों सहित रौंद डाली गाड़ियां, बुजुर्ग महिला की मौत, चार घायल। भवाना खीरा जयसिंहपुर सड़क मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है जबकि चार अन्य घायल हो गए हैं। घटना मनियाड़ा के समीप उस समय घटी जब एक बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद डाला, वहीं वाहनों को भी टक्कर मार दी। घटना के दौरान ट्रक भी बीच सड़क में पलट गया। लोगों के अनुसार ग्राम पंचायत मलाहू में बेकाबू ट्रक ने सड़क के साथ सब्जी की दुकान में खरीदारी कर रही महिला को कुचल डाला। महिला की पहचान कमला देवी, पत्नी साधु राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बेकाबू ट्रक की चपेट में अन्य लोग भी आ गए हैं। खंड विकास समिति सदस्य डिंपल भट्ट ने बताया कि ट्रक की चपेट में आराध्या, भावना, ऋतक भी आए हैं। इस दौरान बेकाबू ट्रक की चपेट में एक स्कूटी व मोटरसाइकिल भी आ गए।